एवरीवन, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए अब हम लोग नंबर्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम के लिए जो कि जरूरी है वो अब देखते हैं। पर्सन, आप लोगों ने क्लास 4, 5 या 6 में पर्सन के बारे में पढ़ा होगा। पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बताइए, कोई कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, और तीसरा क्या है? थर्ड पर्सन। वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, और ये भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना? एक सिंगुलर और दूसरा प्लूरल। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? आई, और प्लूरल वी। क्लियर। सेकंड पर्सन क्या है? यू, और प्लूरल भी यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है बताइए कोई? थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? कोई भी बताएंगे मेरे को, क्या है? ही। वेरी गुड। सी, इट, और एक नाम, और एक नाम, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। और थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या आता है? दे, और एक से अधिक नाम, दे और एक से अधिक नाम। आई और वी जो होता है, सब्जेक्ट आई और वी, वो जो होता है वो क्या होता है? आई और वी किसके लिए यूज होता है? या बोलने वाला होता है। कोई भी सेंटेंस में जो बोलने वाला होता है ना, उसके लिए हम लोग आई और वी रहता है, है ना, बोलने वाला। और यू किसके लिए यूज करते हैं? जो कि सुनने वाला है, माने कि 2 भाग में बांटे, बोलने वाला और सुनने वाला। आई हो, वी हो गया बोलने वाला, और यू हो गया सुनने वाला, यानी जिसे कहा जाता है, बोलने वाला हो गया, है ना, यानी कहने वाला कह सकते हैं, स्पोक्स पर्सन। और ये क्या है? सुनने वाला है, है ना, जिससे कहा जाए, जिससे कहा जाता है, वो रहता है सेकंड पर्सन में। क्लियर। और बाकी जितना भी है वो सब आ जाता है थर्ड पर्सन में, जिसके बारे में कहा जाए, है ना, या जो भी है वो सब आ गया थर्ड पर्सन में आ जाता है। तो ही, सी, इट और एक नाम, यह रहता है थर्ड पर्सन में का सिंगुलर है, और दे और एक से अधिक नाम क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ये आपको याद रखना है, इसका बहुत उपयोग है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए इज, वाज, हैज इत्यादि तथा अनवर्ब के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगता है। ये ध्यान देंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर जो नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है? ही, सी, इट और एक नाम, ठीक है, और एक नाम। तो इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से लगते हैं? एक लगता है इज, दूसरा वाज और तीसरा हैज। और यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो वर्ब में क्या लगता है? एस या ईएस। ये हम लोग आप लोगों को ट्रांसलेशन में बताए हैं, है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एस लगता है। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल दे सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राम वांट्स टू प्ले, वांट्स टू प्ले। तो यहां जो वर्ब है वांट, इसमें क्या लगा हुआ है? एस, है ना। इज पेन,
हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम जापान, इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। तो यहां देखिए हम लोग हैज का उपयोग किए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, हिज पेन हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। क्या कह सकते हैं, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। यहां भी देखिए वर्ब मिस लग गया, तो ये मिसफॉर्च्यून, हिज पेन, आराम, ये सब क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हमें यह याद रखना चाहिए कि जो कहने वाला होता है आई वी वह फर्स्ट पर्सन में, तथा जिसे कहा जाता है यू वह सेकंड पर्सन में होता है। इसके अलावा दुनिया की सभी चीजें थर्ड पर्सन है। क्लियर है, जो कि हम लोग पहले भी बताए हैं। और थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के लिए आर, वेयर, हैव इत्यादि का वर्ब का यूज होता है, लेकिन अन वर्ब्स के साथ एस नहीं लगाना चाहिए। थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर के साथ हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब आर, वेयर, हैव लगाते हैं, और बाकी जो वर्ब्स होता है उसके साथ हम लोग एस नहीं लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में। जैसे देखिए हम बोलते हैं दे लव्स आइसक्रीम, क्या ये सही है? और एक मैं सेंटेंस यहां लिखता हूं, ही लव्स आइसक्रीम, बताइए दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? पहला, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसमें वर्ब के साथ एस या एस लगेगा और ये प्लुरल बनेगा, और ये दे के साथ लव में एस नहीं लगेगा, है ना? तो यहां पर क्या होगा, ये होगा दे लव आइसक्रीम। अगर हम लोग सेंटेंस में लिखते हैं माई ब्रदर, तो बताइए ये कौन सा माई ब्रदर, ये कौन सा पर्सन है का है? फर्स्ट पर्सन का, सेकंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का? किस पर्सन का है? थर्ड पर्सन। माई ब्रदर, योर अंकल, योर अंकल, रिवर, एक वर्ड है ना, सिंगुलर है, स्काई, तो ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए है ना, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं दे वांट टू प्ले, है ना, दे वांट टू प्ले, दे वांट्स नहीं होगा, है ना। लायंस, एल आई ओ एन एस, लायंस, लव टू लिव इन फॉरेस्ट, लिव इन फॉरेस्ट। यहां पर लव में एस नहीं होगा क्योंकि ये लायंस है, थर्ड पर्सन प्लुरल है। उसी प्रकार हिज पेन्स, हिज पेन्स, हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम जापान। यहां पेन्स है तो ये थर्ड पर्सन प्लुरल है, दे थर्ड पर्सन प्लुरल है, यानी ये जो एग्जाम्पल है ये आपका थर्ड पर्सन प्लुरल के लिए है और इसके साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, है ना। इसी के जगह पर, दे के जगह पर अगर ही रहता तो ही वांट्स हो जाता, ही वांट्स सही है। लायन लव्स होगा, सही है। हिज पेन हैज बीन होगा, है ना, सही है, क्योंकि ही लायन पेन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। मटेरियल नाउन का चूंकि उसकी गिनती नहीं होती है, प्लुरल नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे मटेरियल नाउन्स भी है जिनके अंत में एस तो लगता है परंतु उनका अर्थ बदल जाता है।
हम लोग जानते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल, नाउन में ही पढ़ाए हैं, और इसकी गिनती नहीं होती है, इसको नापा या तौला जाता है, तो मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं होता है। ये तो हम लोग जान रहे हैं कि मटेरियल नाउन का प्लुरल नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स नाउन्स हैं जिनके अंत में एस तो लगता है, तो उसका अर्थ ही बदल जाता है। अगर आप उसके अंत में एस लगा दीजिएगा तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे कुछ वर्ड मैं दे रहा हूँ जो कि कंपटीशन में आता है, कॉपर। कॉपर का मीनिंग क्या होता है बताओ, क्या होता है, तांबा, वेरी गुड। आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, वेरी गुड। और वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी, वेरी गुड। और सैंड मीन्स क्या होता है, बालू। एकदम याद रखिएगा इन सबको, बहुत सिंपल सिंपल है। अगर इस कॉपर में हम एस लगा दें, COPPER S, तो आप तो कहेंगे कि गलत है, और मैं कहूंगा कि सही है। क्यों? क्योंकि कॉपर्स मीन्स तांबा नहीं होता, कॉपर्स मीन्स होता है तांबे का सिक्का। याद रखेंगे, कॉपर्स मीन्स क्या होता है, तांबे का सिक्का। इतना कंफ्यूजन आएगा ना सेंटेंस में, जो कि आगे हम लोग सीखेंगे वहां देखिएगा। और ये सब अगर याद नहीं रहा तब तो बनाना आपके लिए क्वेश्चंस का आंसर, सॉल्यूशन खोजना बहुत कठिन हो जाएगा। आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन को हम कर दे आयरन्स, IRONS, आयरन्स। मटेरियल नाउन का तो पुलन होता नहीं है, अब मैंने कर दिया आयरन्स, तो आयरन्स मीन्स होता है लोहे की बेड़ी। क्या होता है, लोहे की बेड़ी के लिए हम लोग यूज करते हैं आयरन्स, या कह सकते हैं जेल के लिए भी हम लोग यूज करते हैं आयरन्स, या जंजीर के लिए भी हम लोग यूज करते हैं आयरन्स। आयरन्स मीन्स होता है लोहे की बेड़ी, जंजीर या जेल। वुड मीन्स होता है लकड़ी, है ना, लेकिन वुड्स लिखे WOODS, वुड्स, तो इसका मतलब होता है जंगल। वुड्स मीन्स क्या होता है, जंगल, याद रखेंगे, WOODS, वुड्स मीन्स जंगल होता है। सैंड मीन्स बालू, और सैंड्स का मीनिंग क्या होता है मालूम है, रेगिस्तान। कितना डिफरेंस है, एक एस लग जाने से पूरा मीनिंग बदल जा रहा है, है ना। तो ये चार जो मैंने लिखाया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखेंगे। कॉपर्स मीन्स तांबे का सिक्का, आयरन्स मीन्स लोहे की बेड़ी, वुड्स मीन्स जेल या जंजीर, और सैंड्स मीन्स रेगिस्तान।